बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस, और कॉनिक सेक्शंस में हम एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट क्या है वो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है फाइंड एन इक्वेजन, फाइंड एन इक्वेजन ऑफ द पैराबोला हैविंग इट्स फोकस एट द ओरिजिन। यानी कि ऐसे पैराबोला की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका फोकस पॉइंट जो है वो ओरिजिन पर लाइक कर रहा है, और इसके अलावा हमें क्या गिवन है कि एंड डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके दो पार्ट्स हैं एक्चुअली। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि इस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैं सेकंड पार्ट भी चले यहाँ लिख देता हूँ कि इस पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में जिसमें डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि इस तरह से ये y एक्सिस है और इस तरह से ये x एक्सिस है। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। x एक्सिस के पैरेलल मतलब कि यहाँ पर इस तरह से यहाँ इस साइड पे भी हो सकता है, ठीक है, और अपवर्ड और डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है, मतलब आप मतलब ओरिजिन से अबव या ओरिजिन से बिलो भी हो सकता है। तो डायरेक्ट्रिक्स मतलब ये दोनों ही जो हैं वो x एक्सिस के पैरेलल ही बनते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये तो गिवन नहीं है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है या किस अबव द ओरिजिन है या बिलो द ओरिजिन है, तो हम ये खुद से जो है वो सपोज कर लेते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हम जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम सपोज कर लेते हैं वाई इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। मतलब कि y इज इक्वल टू समथिंग ही जो है, यानी कि कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू हम कहेंगे y इज इक्वल टू समथिंग, तो वो x एक्सिस के पैरेलल बनता है, ठीक है, पैरेलल लाइन बनती है। तो मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू लेमडा कह दिया है, मतलब कि लेमडा की वैल्यू जो है हम डिफाइन कर देते हैं कि लेमडा जो है वो क्या हो सकता है, लेमडा मे बी 2a, यानी कि 2 के मल्टीपल्स बनेगा, ठीक है, 2a और माइनस 2a, ठीक है। तो a की वैल्यू कोई भी हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 1, 2, 3, 4 जो भी हो सकती है, ठीक है। तो 2 के साथ इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो 2 के मल्टीपल्स में इसका यानी कि y इज इक्वल टू लैम्डा होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ हमने बता दी। उसके अलावा हमें क्या गिवन है, उसके अलावा हमें गिवन है कि फोकस एट द ओरिजिन, यानी कि फोकस पॉइंट जो है वो ओरिजिन पर लाइक कर रहा है, ठीक है। तो फोकस मतलब यहाँ पर ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0.0 होते हैं, ठीक है, 0.0। तो मैं इसके भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख देता हूँ कि फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 0.0 होंगे क्योंकि वो ओरिजिन पर लाइक कर रहा है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके अलावा हम पॉइंट एक कंसिडर कर लेते हैं पैराबोला की बॉडी के ऊपर, ठीक है, पैराबोला कर्व के ऊपर। लेट पॉइंट पी मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, अज्यूम कर लेता हूँ, और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट ये एक पॉइंट है जो कि बी आ पॉइंट, ठीक है, जो कि पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, ऑन द पैराबोला, इस तरह से हम अज्यूम कर लेते हैं। तो अब जिस तरह से हमने बात की थी कि यहाँ पर अगर यहाँ पर लाई करता है तो इस तरह से हमारा जो है पैराबोला इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, सपोज इस तरह से डायरेक्शन होगी, ठीक है। अगर तो ये डायरेक्ट्रिक्स है तो फिर इस तरह से उसकी पैराबोला की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा होगा, ठीक है, बॉडी के ऊपर, पैराबोला की बॉडी के ऊपर, तो उसका जो है डिस्टेंस एफ पी
आप कह लें उस पॉइंट से, ये जो हमने पॉइंट अज्यूम किया ठीक है, इस पॉइंट का और फोकस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए हैं और एफ तो हमें गिवन है कि वो ओरिजिन पर लाई कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस क्या बनेगा, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट ठीक है। तो ये एफ पी डिस्टेंस बनता है और जो कि इक्वल बन जाता है, इसको आप सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट बन जाता है ठीक है, एफ पी डिस्टेंस। और दूसरा ये कि दूसरा डिस्टेंस कौन सा आता है, पी एम डिस्टेंस ठीक है, पी एम या एम पी डिस्टेंस जो है वो कौन सा डिस्टेंस होता है कि इस पॉइंट से जो कि पैराबोला की बॉडी के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ठीक है। तो वो डिस्टेंस किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम जो है पॉइंट से जो है लाइन पॉइंट और लाइन के दरमियान जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे ठीक है, जो कि पहले भी हम बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली वो फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ और उसमें वैल्यूज़ भी पुट कर देता हूँ। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो है वैल्यू या रिज़ल्ट जो बनेगा y माइनस लेमडा का मॉड बन जाता है। और जैसे कि डेफिनेशन ऑफ पैराबोला में हमने देखा था कि पी एफ या एफ पी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है पी एम डिस्टेंस के ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हम हमारे पास एफ पी या पी एफ डिस्टेंस भी मौजूद है ठीक है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर रूट के इक्वल है, और पी एम डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है, उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वाई माइनस लेमडा। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इस, बल्कि ये स्क्वायर इसका नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट से वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर अगर लेंगे तो, राइट साइड पे अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वाई माइनस लेमडा का होल स्क्वायर बन जाएगा ठीक है। तो इसको यानी कि हम मज़ीद इसको ओपन कर लें, वाई स्क्वेयर जो भी है मतलब इसको, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वेयर प्लस टू लेमडा वाई माइनस लेमडा स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वो इक्वेशन है जो इस मतलब क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड है ठीक है। तो ये आप मतलब हमें कहा गया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड हुज फोकस पॉइंट इज एट ओरिजिन। तो ये चीज़ें हमने यूज़ करके इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड कर लिया है ठीक है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल के लिए हमारे पास इक्वेशन जो है वो एक्स इज इक्वल टू लैम्डा आप ले लेंगे ठीक है, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप ले लेंगे, तो फोकस पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है, तो इस तरह से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। तो सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें कहा गया है शो दैट द पैराबोला पैराबोला की हमें इक्वेशन गिवन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि एक्स साइन ऑफ अल्फा माइनस वाई कॉस ऑफ अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए इंटू एक्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फा ठीक है। ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है और हमें कहा क्या है कि आपने शो ये करना है कि इस पैराबोला का जो फोकस है हैज फोकस एट ए कॉज अल्फा एंड ए साइन अल्फा, ये कोऑर्डिनेट्स उसके गिवन है ठीक है। मतलब हमें कहा गया है कि ये आपने शो करना है कि इस पैराबोला का जो फोकस है वो इस पॉइंट पे लाई करता है, उसके अलावा एंड डायरेक्ट्रिक्स इज, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या है, एक्स कॉज ऑफ अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने शो करनी है कि जो हमारा पैराबोला है ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है पैराबोला की, इस पैराबोला का फोकस इस पॉइंट पे लाई करता है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये होनी चाहिए, तो ये शो हमने करना है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि
जो पैराबोला की इक्वेशन है वो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा। पैराबोला की इक्वेशन क्या है? एक्स साइन ऑफ अल्फा माइनस वाई कॉस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फा। ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अच्छा, इसको तो चले हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैंने एज ए टेल्स वही लिखी है, ठीक है। तो अब इसकी एक्सिस क्या बनती है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या बनता है, ठीक है। जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि जिस तरह से हम इक्वेशन देखते आए हैं वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी थी। इस केस में किस तरह से हमारा पैराबोला बन रहा होता है, ठीक है, ये हमारा जो है इस तरह से उसकी ओपनिंग होती है राइट साइड की तरफ, ठीक है, फोकस पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा होता है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर लाई कर रहा होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस से, और इसमें आप एक्सिस ऑफ पैराबोला देखें तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई एक्स एक्सिस है, तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है एक्स बन रहा होता है, मतलब कि वाई इज इक्वल टू जीरो बन रहा होता है, ठीक है। तो मतलब कि जिसका स्क्वेयर है उसका उसको आप इक्वल टू जीरो रख दें तो आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला बन जाता है। इसी तरह से मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, ये भी एक पैराबोला है, ठीक है, तो ये किस तरह से होता है, इसका फोकस पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा होगा और पैराबोला की शेप जो है ओपनिंग अपवर्ड होगी, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो बिलो दी ओरिजिन होगा, ठीक है, इसकी जो है वाई इज इक्वल टू माइनस ए इसका डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो मतलब कि अब इसका एक्सिस क्या बन रहा है, ये एक्सिस बन रहा है जिसके ऊपर फोकस लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब कि एक्सिस की इक्वेशन आप मैं कहना चाहूँ तो यानी कि जिसका भी स्क्वेयर है इक्वेशन में, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन में, उसको आप इक्वल टू जीरो रख दें तो वो एक्सिस आपके सामने आ जाता है, ठीक है, एक्सिस की इक्वेशन आ जाती है। तो इस केस में आप देखें किसका स्क्वेयर आपको नज़र आ रहा है, ये पूरी टर्म जो है एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा, इसका स्क्वेयर नज़र आ रहा है, इसको आप इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो आपके पास एक्सिस ऑफ अल्फा की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, ये एक्सिस है, एक्सिस की इक्वेशन है, तो इसको मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस तरह से दोबारा से मैं एग्जांपल की तरफ आऊँगा कि अब इस पैराबोला का टेंजेंट क्या है, टेंजेंट टू द पैराबोला कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस है, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस वाली लाइन जो है वो पैराबोला को सिर्फ एक पॉइंट यानी कि वर्टेक्स पॉइंट से जो है टच करके गुजरी है। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो मतलब के 4a के साथ जो वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, विदाउट स्क्वेयर, उसको आप इक्वल टू जीरो पुट कर दें, आपके पास जो है टेंजेंट टू द कर्व आ जाती है, मतलब टेंजेंट टू द पैराबोला आ जाते हैं, उसकी इक्वेशन आ जाती है। इसी तरह से इस तरफ आते हैं, मैं चलें इसको सेपरेट कर लेता हूँ, इस तरफ अगर हम देखते हैं, बल्कि इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह सेपरेट कर लेते हैं। अब इसमें आप देखें ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, ठीक है, इसमें फोकस पॉइंट ये लाई कर रहा है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टेंजेंट, टेंजेंट टू द पैराबोला क्या है, कौन सी लाइन है, ये टेंजेंट टू द पैराबोला लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये वर्टेक्स पॉइंट पे इस को जो है टच करके गुजरी है, ठीक है, और सिंगल पॉइंट पे अगर जो भी लाइन टच करके कर्व को गुजरी हो उसको टेंजेंट टू द कर्व कहते हैं। तो ये टेंजेंट टू द पैराबोला ये लाइन है एक्स एक्सिस, मतलब कि वाई इज इक्वल टू जीरो इसकी इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो आप इक्वेशन में आप देखें, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला में आप देखें तो इसमें 4a के साथ कौन सा वेरिएबल मौजूद है, 4a के साथ y मौजूद है, यानी कि विदाउट स्क्वेयर वाला जो भी वेरिएबल होगा उसको आप इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो आपके पास टेंजेंट टू द पैराबोला की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चले मैं डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ, टेंजेंट टू द पैराबोला इसमें क्या है, 4a के साथ आपको कौन सा वेरिएबल नज़र आ रहा है, ये है, ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है,
टेंजेंट टू द पैराबोला है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं ये क्यों फाइंड कर रहा हूँ, मैं क्यों ये लिख रहा हूँ, ये मैं वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। वर्टेक्स क्यों, किस तरह से हम फाइंड कर रहे हैं कि वर्टेक्स आप देख रहे हैं कि वर्टेक्स क्या चीज़ है, वर्टेक्स ये है, ठीक है, जहाँ पर टेंजेंट टू द पैराबोला और एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, ये टेंजेंट टू द पैराबोला और एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, वो पॉइंट कहलाते हैं वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है, ये वर्टेक्स पॉइंट है। इसी तरह से आप इस मतलब कर्व में भी देख सकते हैं, इस कर्व में क्या है कि टेंजेंट टू द पैराबोला ये है, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू जीरो, और एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, x इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, तो ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स पॉइंट कहला रहा है, ठीक है। तो हम इसको जो है क्या करेंगे कि मेरे पास टेंजेंट की भी इक्वेशन है, टेंजेंट टू द पैराबोला की और एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन है, इन दोनों को आपस में मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा, वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर वर्टेक्स, फॉर वर्टेक्स, ठीक है, सॉल्विंग सॉल्विंग टू एंड थ्री को आपस में, इन दोनों के इक्वेशन को अगर आपस में सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो चलें इसको सॉल्व करेंगे, जब आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट में पॉइंट आएगा 0,0, ठीक है, ये वर्टेक्स पॉइंट होगा। अब मैं यहाँ पर इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर रहा, मैं खाली यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आपने इन दोनों को सॉल्व करना है तो आपके पास वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा। अब जैसा कि हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट आ चुका है जो कि ओरिजिन पर लाए करें, 0,0 क्या होता है, ओरिजिन ही पॉइंट होता है, तो वर्टेक्स हमें पता चल गया कि ओरिजिन पर लाए कर रहा है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 पे वापस आते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक्स साइन अल्फ़ा माइनस वाई कॉस अल्फ़ा, मैं दोबारा से यहाँ लिखता हूँ कि चलें कलर भी साथ में हम चेंज कर लेते हैं कि एक्स, इक्वेशन नंबर 2 मैं लिखता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 है एक्स साइन अल्फा, एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा, माइनस वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको मैं अगर रीअरेंज करूँ तो मैं ये इसको कह सकता हूँ वाई कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि वाई के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो ये बनेगा साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू एक्स, ठीक है, ये तो ऑलरेडी मौजूद है, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। अब आप देखें साइन ऑफ अल्फ़ा ओवर कॉस ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा के इक्वल होता है, तो इंटू एक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल टेंजेंट अल्फ़ा इंटू एक्स। अब ये एक लाइन की इक्वेजन है, लाइन की इक्वेजन में अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि इससे आप कंपेयर करें, लाइन की इक्वेजन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स, इन दोनों इक्वेजन को आप अगर कंपेयर करें तो m क्या होता है, m स्लोप ऑफ दी लाइन होती है, मतलब इस केस में जो है आप इन दोनों इक्वेजन को सॉल्व यानी कि कंपेयर करें तो आपके पास m की जगह क्या आ रहा है, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा जो है वो क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ दी लाइन है, और कौन सी लाइन की स्लोप है, ये इक्वेजन नंबर 2 हमने लिखी थी एक्सिस की, एक्सिस की स्लोप है, ठीक है, एक्सिस ऑफ स्लोप ऑफ, हम चले हम यहां लिख भी देते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, वो है टेंजेंट ऑफ अल्फा आ चुकी है, जिसमें एंगल अल्फा जो है वो मतलब बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया जा रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये वर्टिकल वाई एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, और हमारा जो एक्सिस लाई कर रहा है, एक्सिस एंगल अल्फ़ा जो है, सपोज हम कर लेते हैं ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है, तो इस तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमारा एंगल अल्फ़ा बन रहा है, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल अल्फ़ा, ठीक है, ये एक्सिस हमने बना लिया। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हमारा जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर लाया करे, मतलब वर्टेक्स पॉइंट ये है हमारे पास, ठीक है, ये वर्टेक्स है 0,0,
और फोकस पॉइंट अब हमने देखना है, फोकस अभी तक हमें नहीं पता, ठीक है। फोकस जब हमें नहीं पता तो हम सपोज कर लेते हैं कि इफ़ फोकस पॉइंट जो है, फोकस पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन और वाई वन, इस तरह से हैं, ठीक है, हमने ख़ुद से सपोज कर लिए। तो फिर देखें एक्स वन ओवर ए, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो हमने सपोज किया ओवर ए, आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला में देख सकते हैं जो हमें गिवन है, तो वो इक्वल टू हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि एक्स वन जो है वो इक्वल है ए कॉस ऑफ अल्फ़ा के। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट आप देखें y1, इसको भी हम a से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला में a मौजूद है, ठीक है, इज़ इक्वल टू जो है हम साइन ऑफ अल्फ़ा लेंगे, साइन ऑफ अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा y1 वन इज़ इक्वल टू a साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो अब ये दो इक्वेशन, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट x1 की जगह a cos अल्फ़ा हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने ये देखा कि x1 जो है इसके इक्वल है और y1 a sin of अल्फ़ा के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोकस पॉइंट आ गया। अब फोकस पॉइंट जब हमारे पास आ गया तो हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि चले मैं कहता हूँ कि सपोज लेट कर लेते हैं कि b जो है बी द पॉइंट पॉइंट वेयर डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स कट्स द एक्सिस एक्सेस ऑफ पैराबोला, ठीक है, एक्सेस ऑफ पैराबोला, एक्सेस ऑफ पैराबोला को जहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स कट कर रहा है, ठीक है, उसको हमने कह दिया कि वो बी पॉइंट है, ठीक है। अब बी पॉइंट फिर कहाँ पे लाई कर रहा होगा, अब हमें जैसा कि फोकस पॉइंट पता चल गया है तो उसका नेगेटिव साइड पे ही जो है वो, यानी कि उसके नेगेटिव साइड पे जो है हमारा डायरेक्ट्रिक्स लाई कर रहा होगा, तो फिर हम उसे कह सकते हैं कि बी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स के बन जाएंगे माइनस ए कॉज ऑफ अल्फ़ा और माइनस ए साइन ऑफ अल्फ़ा, उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि दोनों एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट बनता है और जो है वो डिस्टेंस उसका ए बन रहा है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, ओरिजिन से मतलब ए जो है उसका जो है बन रहा है डिस्टेंस ओरिजिन से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट आ गया जो कि हमारे जो है मतलब इसके ऊपर लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है। उसके अलावा हम स्लोप ऑफ दी डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला हमें पता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ये हमारे डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला की हमें स्लोप पता है कि वो क्या है, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा है, ठीक है, टेंजेंट ऑफ अल्फा है। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा जब हमारे पास एक्सिस ऑफ अल्फा एक्सिस ऑफ पैराबोला की स्लोप है, तो फिर स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर स्लोप ऑफ एक्सिस होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, डायरेक्ट्रिक्स की डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस जो है दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो फिर परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी स्लोप के लिए, ठीक है। तो इसमें से हम कह सकते हैं माइनस वन ओवर टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, इसको कह सकते हैं, या फिर हम इसको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ अब स्लोप भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है पॉइंट भी मौजूद है ऐसा जो कि हमारे डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है। तो हम ऐसा करेंगे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो कि माइनस ए साइन ऑफ अल्फ़ा है, ठीक है, इसी तरह से इज इक्वल टू स्लोप जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा है, और इन टू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द डायरेक्ट्रिक्स जो कि है माइनस ए कॉज ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ जो है डायरेक्ट्रिक्स लिख ली है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, इसको अगर हम यानी कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है एक्स कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो कि हमें शो
या प्रूव करने के लिए कहा गया था कि ये आपने प्रूव करना है, यही इक्वेशन जो है वो हमारे गिवन पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से हमने फोकस पॉइंट भी देखा, फोकस पॉइंट ये हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। यही हमने जो है फाइंड आउट करना था, हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था और वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर पूरी हो जाती हैं और हमारे लेक्चर का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।